अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मुज़य्यन मोंटेसरी एंड स्कूल्स ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड वन। स्टूडेंट्स, इन टुडेज अवर काउंट डाउन्स ऑनलाइन क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। आज हम जो है वो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के बारे में सीखेंगे। सो काइंडली ओपन पेज नंबर 42 एंड राइट डेट एंड सी डब्ल्यू ऑन द टॉप। लेट्स रीड वट इज़ ऑन पेज नंबर 42। हम रीड करते हैं कि पेज 42 के ऊपर क्या है। ग्रेटर देन, लेस देन। लुक एट दिस हंग्री क्रॉक्स माउथ। ही इज़ वेरी वेरी हंग्री। हिज माउथ इज़ ओपन वाइट। ही हैज़ 3 फिश ऑन वन साइड एंड 6 फिश ऑन द अदर। सो ही गोज फॉर द 6 फिश। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक क्रॉक्स का माउथ बना हुआ है एंड ही इज़ वेरी हंग्री और वो बहुत भूखा है। एंड हिज़ माउथ इज़ ओपन वाइड और उसका मुंह पूरा खुला हुआ है। अब क्या है कि उसके एक तरफ जो है वो राइट साइड पे जो है वो 3 फिशेस हैं और जो उसकी लेफ़्ट साइड पे वहाँ पे 6 फिशेस हैं और वो जो है वो 6 फिशेस की तरफ जाता है। ही वॉन्ट्स मोर फिश टू ईट। वो ज़्यादा फिश खाना चाहता है। स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर डैट द क्रॉक्स माउथ इज़ ऑलवेज ओपन टूवर्ड्स द बिगर नंबर। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर दो नंबर होंगे तो हमेशा जो क्रॉक्स का जो माउथ होगा वो हमेशा बड़े नंबर की तरफ ओपन होगा, जैसे यहाँ पर है। लुक एट द शेप ऑफ हिज माउथ। यहाँ अगर आप उसकी जो उसका मुँह है उसकी शेप देखें तो We use this shape in math as a sign or symbol. हम मैथ में भी इसकी ये जो इसकी जो माउथ की शेप है मैथ में हम साइन और सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं। और फिर हम इस साइन को लिखते कैसे हैं, जैसे यहाँ लिखा है वी राइट और फिर एंड रीड एज और इसको पढ़ते इस तरह हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें वी हैव 6 नंबर ऑन लेफ्ट साइड एंड 3 नंबर्स ऑन राइट साइड। So six is greater than 3। और अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर दें और 6 जो है वो लेफ़्ट की जगह राइट साइड पे हो और 3 जो है वो राइट की जगह लेफ़्ट साइड पे हो तो ये फिर अब देखें दोबारा उसका माउथ जो है वो ग्रेटर नंबर की तरफ ओपन हुआ हुआ है तो ये फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट नंबर जो है वो लेस बन जाएगा और सेकंड नंबर ग्रेटर। हम इसको लिखेंगे इस तरह एंड रीड एज और इसे पढ़ेंगे किस तरह 3 इज़ लेस देन 6। 3 जो है वो 6 से कम है या थोड़ा है। लुक एट पेज नंबर 44। अगर आप पेज नंबर 44 के ऊपर देखें रिमेंबर द हंग्री क्रॉक। आपने उस हंग्री क्रॉक को याद रखना है। रिमेंबर ही ऑलवेज़ वॉन्ट्स मोर। वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चाहता है। अगेन लुक एट द फर्स्ट वन। वी हैव 2 नंबर्स 10 एंड 8। वी हैव 10 नंबर ऑन लेफ्ट साइड एंड 8 नंबर ऑन राइट साइड। तो एंड अगेन हिज माउथ इज़ ओपन टूवर्ड्स द ग्रेटर नंबर। उसका मुंह जो है वो दोबारा ग्रेटर नंबर की तरफ है। सो हम इसको पढ़ेंगे इस तरह 10 इज़ ग्रेटर देन 8। 10 8 से ग्रेटर बड़ा है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। Again we have 2 numbers here. On right side we have 17. On left side we have 16. Now which one is greater? Yes, the number on right side is greater. So this number is left number is less than the right side number. ये जो left पे number है ये right side के number से छोटा है. So हम इसे इस तरह करें, इस तरह इसका जो माउथ है वो राइट साइड की तरफ ओपन होगा क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है और इसकी जो पॉइंटेड साइड है वो लेस नंबर की तरफ जो है वो इंडिकेट करेगी। और हम इसे पढ़ेंगे इस तरह 16 इज़ लेस देन 17। 16 जो है वो 17 से कम है या छोटा है। स्टूडेंट्स, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इस साइन का जो ओपन वाला जो इसका जो ओपन वाली जगह है वो हमेशा इंडिकेट करेगी ग्रेटर देन को, ग्रेटर नंबर को, और जो उसकी पॉइंटेड वाली साइड होगी वो हमेशा लेस नंबर को इंडिकेट करेगी या उसकी तरफ जो है वो उसको शो करेगी। एंड
लुक एट दिस वन, दिस इज द साइन और सिंबल ऑफ इक्वल टू. ये साइन है इक्वल टू का. इक्वल टू का मतलब है इफ़ वी हैव टू नंबर्स लाइक हेयर, यहाँ पे जैसे दो नंबर है 11 11, एंड दे आर सेम नंबर एंड दे आर इक्वल नंबर, ये दोनों नंबर बराबर हैं. नन ऑफ देम इज़ ग्रेटर और लेस, ना इनमें से कोई बड़ा है ना कोई छोटा है. इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वी पुट टू पैरेलल लाइंस, हम जो है वो दो लाइनें लगाएंगे और फिर ये जो साइन है या सिंबल है ये होगा इक्वल टू, यानी 11 इज इक्वल टू 11. सो स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के बारे में पढ़ा है. आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू एट होम एज होम असाइनमेंट, सॉल्व पेज नंबर 43, 44, 45 and 46 ऑन योर बुक. सो टिल नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.